फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बनारसी भुक्कर में। अभी नवरात्रि चल रही है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि है तो हम लोग फास्ट तो रखते ही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फास्ट रखते हैं और हम कुछ बना नहीं पाते हैं, तो ऐसे में के लिए आज मैं रिव्यू करूँगी बाजार से मिलने वाली फास्ट वाली थालियों का। तो चलिए, तो जो थाली मैंने पहले मंगवाई थी वो है द हेल्थ इक्वेशन से। आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक ब्रोशर है, दो फ्लावर हैं, आई थिंक ये थाली व्रत की है इसीलिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है, इसमें है रोटियां, इसमें दो रोटी है व्रत वाली, और साथ में इसमें है साबुदाने की खिचड़ी, समय के चावल की खिचड़ी, और पीनट की चटनी, और ये है साबुदाने का वोफिल, और ये आलू की रसे की सब्जी, और ये है खीरे का रायता, साथ में है राजगीरे का लड्डू। अब तो दूसरी थाली मैंने मंगाई थी वो है विमान नगर सोशल से। इसमें हमको मिलते हैं दो बॉक्सेस, एक ये और एक मील बॉक्स, साथ में मिलता है नैपकिन। चलिए देखते हैं क्या है। पहले हमने मील बॉक्स खोला, ये खोलने में काफ़ी आसान था। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें है समय के चावल, सप्तन की खीर, पनीर की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी और मखाने। साथ में दूसरे बॉक्स में हमको मिलता है चार पूरी, तीन साबुदाने बड़े और एक साबुदाना का पापड़। चलिए अब ट्राई करते हैं। तो सेकंड प्लेट से हमने लिया है साबुदाना बड़ा, और जो हमारी फर्स्ट प्लेट थी उससे हमने लिया है साबुदाना वॉफल। तो साबुदाना वॉफल खाने में बहुत अच्छा था, इसमें पीनट्स भी आ रहे थे, स्पाइसी था और स्वाद भी अच्छा था। और जो साबुदाना बड़ा था वो भी अच्छा था, वो थोड़ा लाइट था स्पाइसेस में, बस अच्छा था स्वाद में। वॉफल थोड़ा लेस ऑयली था, पर बड़े में ऑयल ज़्यादा था। चलिए अब ट्राई करते हैं सेकंड थाली से पूड़ी और फर्स्ट थाली से रोटी। तो पूड़ी हम ट्राई करते हैं पनीर की सब्जी के साथ, जो कि टमाटर की ग्रेवी में थी, और यहाँ पे हम रोटी ट्राई करेंगे आलू की सब्जी के साथ। दोनों ही अच्छी थी, पर हेल्थ वाइज देखा जाए तो वो लेस ऑयली थी फर्स्ट थाली। अब ट्राई करते हैं समय के चावल की खिचड़ी, इसमें भी थी, इसमें साथ में रायता था, साथ में रायता के साथ हमने ट्राई किया, बहुत अच्छी लगी। थोड़ा स्पाइसेस कम थे तो इतनी टेस्टी नहीं थी, पर इनके में स्पाइसेस अच्छे थे तो इनकी ज़्यादा अच्छी थी। और पर इसमें धनिया था, तो जो लोग धनिया नहीं खाते ये उनके लिए नहीं हो पाएगी। फिर अब ट्राई करते हैं साबुदाना खिचड़ी, जो कि बस फर्स्ट थाली में थी, सेकंड थाली में नहीं थी। उसकी जगह यहाँ पे आलू की एक सूखी सब्जी है, वो ट्राई करते हैं। ठीक है ये भी सब्जी, पर थोड़ी नमक इसमें मुझे कम लगा, बाकी जो खिचड़ी थी साबुदाने की वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने साइड के लिए चटनी भी दी हुई है, तो ये भी आपके जो पूरे खाने को इन्हेंस कर रही है। सेकंड थाली में साइड्स का कुछ नहीं है, पापड़ है और ये मखाने हैं, पर साइड्स के लिए कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा मिस कर रही हूँ, और होप करती अगर इसमें ये होता तो ये बहुत अच्छा लगता। मखाने ठीक थे, अच्छे से भुने हुए नहीं थे, पापड़ तो एज यूजुअल अच्छा था। तो आइए अब देखते हैं स्वीट्स में क्या है। तो यहाँ पे है स्वीट्स में ये राजगीरा का लड्डू, और इनके में है ये साबुदाने की खीर। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी थी। और ये लड्डू बाजार का लड्डू है तो वैसे ही था। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी हेल्दी खाना खाना है, कम ऑयली, तो आपको खाना चाहिए द हेल्थ इक्वेशन कप थाली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा रिच या फिर गरिष्ठ खाना खाना चाहिए, थोड़ा बेटर क्वालिटी खाना खाना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए सोशल की थाली।